हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन पांच स्टॉक्स के बारे में, जो कि आज के बाजार से हम कंपेयर करके कल की अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशने की कोशिश जो है वो करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, हमने ये सीरीज़ एक दिन पहले चालू की है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, तो ये कंटिन्यूस चलाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसे दिन भी हों जहाँ पर मैं इसे मिस करूँ, लेकिन डेफिनेटली दो दिन में एक बार या फिर कंटिन्यूसली इसको चलाने की जो कोशिश जो है वो मैं करता रहूँगा। गाइज, अब हम बात करेंगे आज के बेहतरीन पांच स्टॉक की, और मैंने इनको खास एनालाइज करके ही लिया है और आपके सामने रखा है। सबसे पहले स्टॉक मैंने जो है वो बजाज फाइनेंस को लिया है, और इसको लेने का रीज़न मेरा ये था कि आज कई सारे इंट्राडे कॉल प्रोवाइडर जो हैं उनकी दुकान जो है बजाज फाइनेंस ने बंद कर दी है। हुआ क्या था गाइज, इसकी जो तेज़ी थी उसको देखते हुए इंट्राडे कॉल प्रोवाइडर जो थे, जो कि पेड कॉल प्रोवाइड करते हैं इंट्राडे के, वो आंख बंद करके जो है अपना कॉल जो है वो दे रहे थे। इवन यूट्यूब पे भी आप कल की वीडियोस देख सकते हो बहुत सारे चैनल पे। तो उनका मानना ये था कि अब तो ये रुकेगा नहीं, इनको कॉल दो, लोग अपने पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, झटका दे दिया आज के दिन में। और मेरे भी कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो बजाज फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने उनको हमेशा बोला है कि बजाज फाइनेंस में अब रिस्क लेना बंद करिए, अब ये थोड़ा रिस्की होता जा रहा है, और आज इसका रिजल्ट जो है वो हमें देखने को मिला है। गाइस, इसमें इंट्राडे बिल्कुल ना करें, एक बार फिर बोल देता हूँ, कल भी मैंने बोला था आपको। तो अब हम बात करेंगे कि अब इसमें करना क्या है। जितने भी पोजिशनल ट्रेडर हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा, अब होल्डिंग बनाए रखें, एग्जिट ना लें। ये जस्ट छोटा सा हल्का सा झोंका जो है लगा है आज इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना नीचे भी नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें एमएसईडी को यहाँ पे मैंने लगाया है, जो कि बेसिक वैल्यू पे मैंने रखा है। जैसे कि आप जानते हो 26 दिन जो है पिछले उसको कंपेयर किया है पिछले 12 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिग्नल लाइन है वो क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है, यानी कि इंडिकेटर हमें ये बताना चाहता है कि आने वाला जो मोमेंटम है वो एक पॉजिटिव सा हो सकता है। अगर आप यहाँ पे हिस्टोग्राम देखें तो वो भी एबो लाइन जो है हमें शो कर रहे हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें वॉल्यूम, तो वो भी एक पॉजिटिव नोट जो है वो हमें दे रही है। गाइस, हो सकता है ये कल गैप अप ओपनिंग दे दे। अगर गैप अप ओपनिंग दिया गाइस, तो ये बहुत ही ऊपर जाएगा आने वाले दिन में, ठीक है गाइस। इसको वीडियो में पहले नंबर पे लेने का रीज़न यही था कि जितने भी लोग डर गए हैं आज बजाज के ट्रेंड को देख के, वो बने रहें, इससे डरे ना, ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेगा अपने आप को, ठीक है, बिंदास रहें। बस इंट्राडे इसमें खेलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो कि है ONGC, ठीक है। और इसको यहाँ पे लेने का रीज़न यही था कि आप लोगों को बता दूं कि इसमें ट्रेड अगर आप आज भी लेते हो तो आप सेफ हो, एक सेफ साइड में हो। आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें कॉल दिया था मेरे स्विंग ट्रेडर ग्रुप में कि इसको 73 पे बाय कर दें। आपको बता दूं कहाँ पे है वो एरिया जो 73, आप देख लीजिए, इस वैल्यू पे मैंने इनको बोला था। बहुत ही पीछे की बात है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लास्ट मंथ की 26-27 तारीख को मैंने उनको बोला था कि इसको बाय कर दें, और देख लीजिए उसके बाद इसका जो मोमेंटम रहा है वो देख लीजिए आप, ठीक है। बहुत अच्छी ग्रोथ की होगी उन लोगों ने जिन्होंने इसमें 73-74 में बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बनाई हो। और मैं उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा, जितने भी लोग मेरे यूडीट्रेड ग्रुप में पहले से हैं और उन्होंने ONGC में बाइंग पोजीशन बनाई हो 73 रुपीज़ के आसपास, और आज भी एक अच्छी प्रॉफिट और अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं, एक बार अपना कमेंट ज़रूर नीचे दें। मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोग जो हैं वो अपने कॉल पर काम करते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर देख लीजिए, अब मैं आपको बता दूँ कि कल क्या करना है। गाइज, ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है ONGC, ये एक अच्छे लेवल पे गई थी 87 रुपीज़ पे, और फिर हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला 84 रुपीज़ का। अगर देखा जाए तो ये पिछले कुछ दिन जो है 2 तारीख और 1 तारीख के कंपैरिजन में लेवल में आ चुका है। गाइज, कल जब मार्केट खुलता है एक डाउन ट्रेंड इसमें देखने को मिल सकता है एज पर एनालिसिस जो मैंने किया है। अगर डाउन ट्रेंड थोड़ा भी देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूँ कि इसको हमें खरीदना है 83 रुपीज़ पे, ठीक है। 2 रुपये अगर नीचे गया ये, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें ले लेना। टारगेट रहेगा इसका 100 के ऊपर, ठीक है, वो भी 4 से 5 महीने के अंदर। गाइज, मैं हमेशा टाइम फ्रेम ज़्यादा देता हूँ ताकि आप लोग बने रहें स्टॉक में, लेकिन आपका जो टारगेट है वो बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, और लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप जो लास्ट डेट प्राइस है उस पर भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा और सस्ता मिल सकता है ये स्टॉक, तो थोड़ा और वेट करके इसमें एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश करें। गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट इंट्रो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। और मैं अब तक आपको बोल रहा था कि कौन सा स्टॉक बेहतर है इंट्राडे के लिए। आप बोलोगे कि पंजाब नेशनल बैंक कैसे बेहतर रहेगा सॉरी इंट्राडे के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कुछ खास पहलू जो आप समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आप देखिए कि इसका जो डे ओपनिंग ट्रेंड है वो हमेशा से, हमें लास्ट 4 दिन से अप ट्रेंड दे रहा है।
अब आप इसको गौर से देखिएगा गाइस, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं इसमें। 4 तारीख यानी कि आज की तारीख देखिए, मार्केट खुला, अप ट्रेंड दिया इसने सीधा, कितने रुपए का दिया, 2-3 रुपए का अप ट्रेंड दिया, ठीक है। अगर हम बात करें 3 तारीख की गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं एक दिन और पहले की। तो 3 तारीख को जब मार्केट खुला, ये देख लीजिए 29.75 पे, और इसने एक बेहतरीन अप ट्रेंड हमें दिया 31.15 का, नियरली 1 रुपये का फ़ायदा जो है आपको इंट्राडे में इसमें हो जाता अगर आप इसको मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ी ही देर में बाय कर लेते, ठीक है गाइस। तो इसमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग में मिलती है, और ये जो ट्रेंड चल रहा है लास्ट दो तीन दिन से चल रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें 2 तारीख को इसमें पूरा दिन ये पैरेलल रहा है, कुछ उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अगर बात करें हम 1 जून की, तो वहाँ पे भी वही सिनारियो बन रहा है, सुबह मार्केट खुलते ही एक बेहतरीन अप ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। जब बाज़ार खुला तब इसकी प्राइस जो थी तो 27 रुपये के आसपास थी, और 27 से ये हमें अप ट्रेंड देते हुए 28.50 यानी कि रुपये का प्रॉफिट जो है इसने हमें दिया है। गाइस 1-2 रुपये की प्रॉफिट जब इंट्राडे में हो जाती है तो बहुत होती है, मार्जिन लेके आप ट्रेड कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बस आपको ध्यान रहे कि फर्स्ट जो कैंडल है वो आपको पावरफुल लगनी चाहिए, यानी कि हाई वॉल्यूम विथ ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक में। और मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आई बटन पे क्लिक करके हमारे एक इंट्राडे स्ट्रेटजी की वीडियो है उसको ज़रूर देख ले, बहुत फ़ायदा होगा, आपके नुकसान कम होंगे। गाइस बात करेंगे चौथे और लास्ट स्टॉक की, जिसका नाम है मदरसन सुमी, और इसकी भी रिक्वेस्ट मुझे बहुत आई थी कि सर इसमें करना क्या है। गाइस ट्रेंड देख लीजिए आप, सिग्नल लाइन क्रॉस कर रही है, फिर से वही बात हो गई, और ये मैंने बेसिक अभी लिया है, आपको मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 90 का और 12 डेज़ का बताऊंगा तब और मज़ा आएगा, जो लॉन्ग टर्म है उनके लिए 90 डेज़ का भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी बेसिक पे बता रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। अप ट्रेंड जो है आज देखने को मिला है पूरे दिन में, आप देख लीजिए यहाँ से ये चालू हुआ जब सुबह खुला आज 4 तारीख, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए 4 तारीख डाउन ट्रेंड दिखा, और फिर आप देख सकते हैं 12:45 के बाद इसने एक बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस हमें दिया है 2-3 रुपये का। गाइस सस्ता है अगर ओवरऑली देखा जाए, अगर आप देखेंगे इसको कंप्लीट फंडामेंटल एनालाइज करके, तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक बेहतरीन स्टॉक साबित हो सकता है। गाइस जितने भी स्टॉक बताएं सबके सब बेहतरीन स्टॉक है। गाइस तो लेके आ गया हूँ आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और आपको बताना चाहूँगा, कल मुझे किसी ने पूछा था टेलीग्राम ग्रुप में कि सर ये IBC के 6 मंथ की हॉलीडे की जो बात आ रही है उससे बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने उनको कल ही बोल दिया था कि नेक्स्ट डे आपको बैंकिंग में थोड़ा इम्पैक्ट लग सकता है, लेकिन PSU में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपने देखा होगा आज सभी PSU बैंक्स जो थे उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है दिया है, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुए हैं, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को देखोगे तो आपको एक डिक्लाइन देखने को मिला होगा। गाइस बैंक निफ्टी चार्ट पे मैं ज़्यादा इवेल्यूशन अब नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन ये बताने की आपको कोशिश करूँगा कि कल इसमें गैप अप ओपनिंग के चांसेस जो है वो बन रहे हैं। मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है वो कर दिया है इसका, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कल गैप अप ओपनिंग जो है वो दिख सकती है, ठीक है गाइस, संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए गाइस वीडियो को करता हूँ यहाँ पे ख़त्म, और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दे। ज़्यादा वीडियो के लाइक का एम नहीं रखता हूँ मैं, लास्ट वीडियो का रखा था 100, इस वीडियो का रखूँगा 200। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।